हेलो स्टूडेंट्स, पिछली तासिका को हमने हमारा सुंदर घर इस लेसन का स्वाध्याय कंप्लीशन किया है। कौन सा लेसन? हमारा सुंदर घर। आज की वीडियो में हम कौन सा लेसन देखने वाले हैं? शेरू ने ढूंढी गेंद, यह नाटक हम देखने वाले हैं। कौन सा नाटक है? शेरू ने ढूंढी गेंद। अब देखो बच्चों, आप कौन कौन से खेल खेलते हो? आपकी तरह इस बच्चे को भी गेंद से खेलना अच्छा लगता है। आप कौन कौन से खेल खेलते हो? देखो, कोई तो क्रिकेट खेलता होगा, कोई तो फुटबॉल खेलता होगा, किसे वॉलीबॉल पसंद होगा, किसे तो लुकन छिपाई का खेल भी पसंद होगा। अब देखते हैं इस नाटिका में कौन सा खेल खेला गया है। देखो, इसमें कौन कौन से पात्र हैं? देखो, पप्पू है और पप्पू की माँ है। देखो क्या होता है, पप्पू क्या कहता है? देखो, उसकी माँ शायद रसोई में खाना बना रही थी, इसी उसी टाइम पप्पू कहाँ आ गया है? किचन में दिखाई दे रहा है ना। रसोई मतलब क्या है? किचन। रसोई मतलब क्या? किचन। देखो, पप्पू क्या कहते हुए आता है? मामा जरा 5 रुपए देना, जल्दी, एकदम जल्दी। देखो, पप्पू अपनी माँ से क्या मांग रहा है? 5 रुपए मांग रहा है। कितने रुपए? 5 रुपीज मांग रहा है। देखो, अब इस पर माँ क्या कहती है? अब ये राजू को 5 रुपए किसके लिए चाहिए होंगे? देखते हैं। माँ कह रही है, अच्छा, ये 5 रुपए किस नेक काम में खर्च होंगे? अब नेक मतलब अच्छा। यह 5 रुपए तुम कौन से अच्छे काम के लिए, ठीक काम के लिए खर्च करना चाहोगे? तो इस पर पप्पू क्या कह रहा है? देखो मामा, असल में बात यह है कि गेंद लानी है। असल में क्या है बात? कि उसे गेंद यानी कि बॉल लाना है। किसे? पप्पू को। वह अपनी माँ से किस लिए पैसे मांग रहा है? क्योंकि उसे गेंद यानी कि बॉल खरीद कर लाना है। इस पर माँ क्या कहती है? देखो, ओ, पर 5 रुपए तो तुम परसों भी ले गए थे, लेकिन खरीदने के लिए ले गए थे, गेंद खरीदने के लिए कहाँ गई वो गेंद? देखो, इसके पहले भी, इसके 2 दिन पहले, एक दिन पहले पप्पू ने क्या किया था कि अपनी माँ से 5 रुपए लेकर गया था। देखो कि उसकी माँ क्या कह रही है, उसे याद दिला रही है कि इसके पहले एक दिन भी तुम मुझसे क्या लेकर गए थे? 5 रुपए लेकर गए थे। अब तो इसकी माँ क्या कह रही है कि वो गेंद कहाँ गई, यानी कि पप्पू ने क्या कहा होगा उसकी माँ को कि वह गेंद, वह जो गेंद है, वो गेंद कहाँ गई, यानी कि वह पैसे तुमने मुझसे गेंद खरीदने के लिए ही लिए हुए थे। ये तो अब हमें पता चला ना। अब इस पर पप्पू क्या कहता है? देखो, सीट पिटा कर क्या कह रहा है? देखो, वो तो खो गई। आप जैसा ही पप्पू है ना, आप भी अपनी गेंद ऐसे ही खो देते हो या संभाल कर रखते हो? नहीं तो हमेशा अपना जो सामान हो, खेल का हो या पढ़ाई का हो या और कौन सा भी सामान हो, वह ठीक से रखना चाहिए। पप्पू क्या कह रहा है? वो तो खो गई। आगे देखते हैं। गुड्डन के साथ टप्पे खेलने का खेल खेल रहा था, गेंद झाड़ियों में चली गई, फिर मिली ही नहीं। देखो, अब गुड्डन के साथ कौन खेल रहा है? पप्पू। पप्पू के साथ और कौन खेल रहा था? गुड्डन खेल रहा था। और उसके साथ खेलते खेलते क्या हो गया कि पप्पू की जो गेंद थी वह कहा जाकर छिप गई? झाड़ियों में छिप गई। ओ, वह उसे नहीं मिल रही है, ऐसा पप्पू ने अपनी माँ से बताया है। इस पर माँ कैसे करती, कैसे दिखाती है? देखो, सिर्फ गुस्सा आया है ऐसे दिखा रही है, सिर्फ गुस्सा आया है ऐसे दिखा रही है। और क्या बोल रही है? तो फिर मैं रोज रोज कहाँ से लाऊं गेंद तुम्हारे लिए? देखो, माँ गुस्से से क्या कह रही है? सिर्फ गुस्सा आया है ऐसे दिखा रही है। और कैसे बोलती है?
तो फिर मैं रोज रोज कहां से लाऊं गेंद तुम्हारे लिए? जाऊं, नहीं है मेरे पास पैसे। ऐसे माँ सिर्फ बनावटी गुस्से में बोल रही है, यानी कि सिर्फ गुस्सा आया है ऐसे दिखा रही है। और क्या बोल रही है? तो फिर मैं रोज कहां से गेंद लाऊं तुम्हारे लिए? जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। ऐसे पप्पू की माँ पप्पू से कह रही है। इस पर पप्पू क्या कहता है देखो। बस माँ, सिर्फ एक बार और मैं गेंद खूब संभाल कर रखूंगा। देखो पप्पू अपनी माँ से कह रहा है, सिर्फ एक बार मम्मा मुझे पैसे दे दो, अगली बार जब मैं गेंद लाऊंगा तो उसे बहुत संभाल कर रखूंगा। आप भी ऐसे ही करते हो ना, घर में कोई भी आपकी चीज हो वो ठीक से नहीं रखते हो, और माँ जब गुस्सा करती है और आपको पूछती है तो आप कैसे कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं मम्मा से कि नहीं नहीं मैं यह मेरी जो चीज है, मेरा जो खिलौना है, वह मैं ठीक से संभाल कर रखूंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? हाँ, कुछ कोई कोई बच्चे अपना सामान ठीक से संभाल कर रखते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, कोई तो अपने खिलौने जहाँ जाते हैं वहां पे ही छोड़ आते हैं। ग्राउंड पर गए तो गेंद छोड़ाए, और ग्राउंड पर साइकिल लेकर गए तो वो साइकिल भी वहां पे ही छोड़ाते हैं। ऐसे भी बच्चे कोई कोई होते हैं। तो देखो उसकी माँ ने उसे डांट कर बनावटी गुस्से से क्या कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ रोज रोज कहाँ से गेंद में लेके आओ। तो उस पर पप्पू क्या कह रहा है? पप्पू अपनी माँ से कह रहा है कि इस बार मैं अपनी गेंद संभाल कर रखूंगा, मैं अपनी गेंद क्या नहीं खो नहीं खोने नहीं दूंगा। इस पर माँ क्या कहती है देखो, ठीक है पर अब आगे न मांगना फिर से। उसकी माँ क्या कह रही है? ठीक है अब इस बार ठीक है, लेकिन अगली बार जब आपकी यानी कि पप्पू की गेंद खो जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मैं मुझसे पैसे मत मांगो। ऐसे उसकी माँ कह रही है। आगे जाके क्या होता है कि माँ पप्पू को 5 रुपए देती तो है, और उससे पप्पू क्या करता है कि उस पैसों से पप्पू नीली गेंद खरीदता है। कौन से रंग की? नीले रंग की गेंद खरीदता है, और उस गेंद को लेके जाके मैदान में जाता है। अब देखो अब आगे क्या होता है कि पप्पू के साथ साथ उसके फ्रेंड्स कौन कौन फ्रेंड्स है? सोनू है, गुड्डन है, डेबू है। देखो और पप्पू के साथ कौन कौन खेल रहा है? सोनू है, गुड्डन है, धीरू है और देबू भी है, यानी कि और उसके साथ 4 उसके फ्रेंड खेल रहे हैं। आगे क्या होता है देखो, गुड्डन कह रहा है, अरे वाह नीली गेंद कहाँ से लाया पप्पू? देखो पप्पू का फ्रेंड गुड्डन उसे क्या कह रहा है, अरे वाह नीली गेंद कहाँ से लाया पप्पू? इस पर पप्पू क्या कहता है, अभी अभी ला रहा हूँ हमीद अंकल की दुकान से। पप्पू ने कहाँ से गेंद खरीदी है? हमीद अंकल की दुकान से। पप्पू गुड्डन से कह रहा है कि मैं अभी अभी गेंद लेकर आया हूँ, और यह गेंद मैंने हमीद अंकल की दुकान से खरीदी है। इस पर धीरू देखो क्या कहता है, गेंद तो बड़ी सुंदर है भाई, एक बार मैं छूकर देख लूं। अब देखो कौन सी भी चीज जब न्यू होती है, नई होती है, तो हमें अच्छी ही दिखाई देती है ना। मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, तो उसे कौन सी भी चीज जब हम खरीद कर बाजार से घर लाते हैं तो हमें अच्छी ही दिखती है। उस चीज की अच्छी तरह से हम उस चीज का ख्याल रखें तो वो जैसे हम दुकान से खरीद कर लाए होते हैं वैसे ही हम उसे जिंदगी भर दिखाई, यानी कि वह चीज हमें अच्छी दिखाई देती है ना, यानी कि उस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। देखो धीरू ललचाते हुए क्या कह रहा है, गेंद तो बड़ी सुंदर है भाई, एक बार मैं छूकर तो देख लूं। इस पर पप्पू क्या कहता है देखो, पप्पू क्या कहता है, एक क्या 10 बार छूकर देखो, मैं खेलने के लिए ही तो लाया हूँ। देखो पप्पू को अब अपने सारे फ्रेंड्स अपनी उसकी गेंद की क्या कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, इसीलिए पप्पू खुश होकर जोश में क्या कह रहा है,
एक क्या 10 बार छूकर देखो, मैं खेलने के लिए ही जा रहा, खेलने के लिए ही लाया हूं इस गेंद को। ऐसा कौन कह रहा है? पप्पू किसे कह रहा है? धीरू से कह रहा है। इस पर देबू क्या कहता है? देखो, वाह वाह वाह, आओ भाई आओ, खेल जमेगा प्यारा। देखो देबू क्या कह रहा है? वाह 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 वाह, आओ भाई आओ, खेल जमेगा प्यारा। अब क्या करते हैं सभी बच्चे, यानी कि कौन कौन? गुड्डन, पप्पू, धीरू, देबू, सोनू, यह सब मिलकर क्या करते हैं? यह सब मिलकर क्या करते हैं? न्यू गेम से खेलने के लिए मैदान में जमते हैं। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। पप्पू घबराते हुए, दौड़ो दौड़ो, कहीं नाले में नहीं चली जाए। देखो अब कौन? गुड्डन। गुड्डन क्या केयर कर रहा है? गुड्डन ने जोर से गेंद फेंकी है और फेंकने के बाद वह गेंद लुढ़कते लुढ़कते नाले की ओर चली जाती है। तो पप्पू घबराता है ना, क्योंकि मम्मा ने उसे डांटा था। और क्या कहा था उसकी माँ ने? कि यह गेंद जब खो जाएगी तो मैं तुम्हें न्यू गेंद नहीं ला दूंगी, यानी कि पैसे नहीं दूंगी। इसीलिए पप्पू घबराते हुए कह रहा है, दौड़ो दौड़ो, कहीं नाले में ना चली जाए। इस पर गुड्डन क्या कहता है? कैसे जाएगी? शेरू है ना। अब ये शेरू कौन है यह अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।